दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाय फ्रेंड्स, इस पढ़ाई से प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। किस टॉपिक पर? जनरल साइंस के पार्ट 3 पर। ये टॉपिक कौन सा होगा? पार्ट 3। पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आज बताऊंगा एकदम झकास ट्रिक। क्या एकदम झकास ट्रिक, जिससे आज एकदम से याद करेंगे इन सबको। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आया क्या? अदिश राशि। आज बात करें अदिश राशि क्या होती है। वे राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे राशियाँ जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कौन कौन सी राशि होती है? जैसे ऊर्जा, तो फ्रेंड्स कौन सी राशियां? वे राशियां जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है, वे सदिश अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी? नंबर एक होती ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट, आयतन, बोले तो ताप, क्षेत्रफल भी आता है इसमें, और भी बहुत सारी राशियां हैं। ये मास, द्रव्यमान, स्पीड, चाल, करंट, विद्युत धारा। तो फ्रेंड, इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है? एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं में से कोई सी पूछी जाएगी, ठीक है? तो ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है उसका दाल। क्या उसका दाल? MSC, उसका दाल MSC से आता है। MSC एक कोई बहुत बड़ी जगह है। सपोज करो कोई ऐसी दुकान है MSC नाम की, क्या है? बहुत अच्छी शॉप जहाँ पे दाल बहुत अच्छी मिलती है। तो उसका दाल किसका दाल? अजिस का दाल। किसका दाल? अजिस का दाल MSC से आता है। कहाँ से आता है? MSC से। अभी क्या है? ऊ ऊ से ऊर्जा। क्या आएगा? उसे ऊर्जा हो जाएगा। ये देखा समय, ये एस से क्या हो जाएगा? सा से क्या हो जाएगा? समय, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? सा से समय। या दिया कार, कार्य हो जाएगा, ठीक है? मैं का कार्य। अब बात करते हैं दाल में क्या है। दाल में है दा, दा से दाव, दा से क्या हो जाएगा? दाव। बात करते हैं ला की, ला से क्या है? लंबाई। क्या है ला से? लंबाई। तो देखो ला से लंबाई, यह था MSC। अभी इतना वर्ड मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। MSC से आता है। तो M से मास। क्या? M से मास। S से स्पीड। क्या आएगा? S से स्पीड। C से करंट, विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। अब ये सा सा यहाँ पर क्या आई? कांस्टेंट। इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक सहार के लगाया गया यहाँ पे। आता है आ, आ से आयतन। क्या? आ से आयतन। और ता से ताप। ठीक है दोस्तों, है ना? है एकदम झकास ट्रिक, याद तो हो गया होगा। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, अदिश राशि याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आराम से कर पाओगे तुम, एग्जाम में एकदम झकास कर पाओगे, ठीक है? चलो बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में। किसके? सदिश राशियों के बारे में। तो फ्रेंड देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है, आइए। तो दोस्तों देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अब जरा मैं सदिश राशि की बता दूं, जरा क्या डेफिनेशन इसकी है। वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे आवेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार, संवेग। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें क्या था? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई,
द्रव्यमान चाल विद्युत धारा आयतन ताप। ठीक है, अब देखते हैं इसका तो ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि अब बेवी तो भास्म, क्या है अब बेवी तो है भास्म, तो ये क्या है संस्कृत का वर्ड है, वर्ड बन गए अच्छी तरह, क्या बन गया संस्कृत का, आराम से याद हो जाएगा। अब बेबी किसकी बेबी, सदिश की बेबी, तो भस्म, सदिश की बेबी भस्म कर दी, कैसे बनेगी यहाँ पर, आ से क्या बनेगा आवेग, सॉरी क्या आएगा आवेग, वा से बल, और इस वाली वा से वेग, इस वाली वा से वेग, इस वाले से विस्थापन, त्वा से त्वरण, भा से भार, इस वाले भा से क्या हो गया भार, और सा से संवेग, सा से संवेग हो गया। ठीक है, समझ में आया एकदम, है ना झकास ट्रिक, याद तो हो गया होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों ट्रिक याद कर लीजिए आराम से, कोई भी राशि अगर इनमें से एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर पाओगे, नहीं आराम से आ जाएंगे बहुत। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।